So hello everyone, welcome to RC Academy. My name is Tamanna Rana and I am going to discuss about chemistry. So before going to the main subject, कुछ aspect देख देते हैं कि chemistry की क्या है importance. So in 11th, when you choose the science as your subject, जब आप science as your subject choose करते हैं तो आपके पास होते option PCM, PCB या PCMB. So आप देख सकते हैं chemistry तीनों में कॉमन है, मतलब केमिस्ट्री आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है. सो आपको केमिस्ट्री चूज़ करना ही पड़ेगा. बट इसके बहुत एडवांटेज है. वो कैसे, देखो जब आप कुछ करियर चूज़ करते हैं एज अ साइंस में, तो कोई भी करियर चूज़ करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक नीट या जेई क्लियर करनी पड़ती है. तो नीट और जेई के लिए भी आपको केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए एज अ बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ अ रैंक बूस्टर. अगर आप कहीं रैंक अच्छा चाहिए तो उसके लिए केमिस्ट्री क्या काम करेगा, एज अ रैंक बूस्टर. वो आपका रैंक वहाँ तक आपको लेके जाएगा. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का नॉलेज इन दो साल में आपको बिल्डअप करना है. तो अगर मैं बोलूँ नॉलेज कैसे बिल्ड करना है, सो आप केमिस्ट्री के वर्ड को ही देख लो. तो ये वर्ड आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर आता है केम इज ट्राई. सो केमिस्ट्री मतलब जितना आप ट्राई करेंगे उतना बेस्ट आपका ये सब्जेक्ट होता जाएगा एंड आप उतना उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं. सो रेगुलर रहिए और एंड देन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए. इतना सफिशिएंट है आपके लिए किसी रैंक को अचीव करना और आपका गोल अचीव करना. सो अगर सब्जेक्ट की तरफ मूव करें, सो पहले सबके क्वेश्चंस यही रहते हैं, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यहाँ पे कहाँ यूज़ हो रहा है केमिस्ट्री, केमिकल्स है, ये है वो. बट बेसिकली पूरी जो लाइफ है वो सबकी केमिस्ट्री पे डिपेंड रहती है. वो कैसे है सुसी, बेसिक लाइफ इज़ डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स, दैट इज़ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. ये तीन चीज़ों पे सबकी लाइफ डिपेंड है. तो फूड चाहिए तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो किससे हो रही है, वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन काम कर रही है. और फूड के इसमें अगर आपको फूड ग्रो करना है तो आप यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स. सो फर्टिलाइज़र्स में आप यूज़ करते हैं यूरिया, ये सब ये केमिकल्स हैं. सो बेसिकली फूड के लिए भी आपको केमिकल्स यूज़फुल हैं. सेकेंड, क्लोथ अगर आप वियर करते हैं तो क्लोथ में आप स्वेटर कुछ भी वियर करते हैं, वहाँ पर कॉटन, डेक्रॉन, नायलॉन, रेयन, ये सारे क्या है, केमिकल्स हैं. सो वहाँ पे भी केमिस्ट्री का रोल है. एंड देन थर्ड इज़ अ शेल्टर. आपको अगर अपना घर बनाना है, होम बिल्ड करना है, कुछ बिल्डिंग वगैरह, सो बेसिक नीड इज़ सीमेंट. सीमेंट में एल्यूमिनियम, जिंक, सिलिका, ये सारे क्या है, केमिकल्स है. सो देख सकते हैं तीनों जो नीड है वो किसने पूरी की है, केमिस्ट्री ने. सो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री यूजुअल लाइफ में भी. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सभी अभी वेट कर रहे हैं एक मेडिसिन का, दैट इज़ फॉर COVID-19 एंटीवायरल ड्रग. तो वो कहाँ से मिलेगा, बाय रिएक्शन ऑफ वेरियस केमिस्ट्री. कितनी जितनी भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस है, केमिकल वहाँ पे यूज़फुल है, तो तभी वो प्रिपेयर हो सकता है एंड उसके अगेंस्ट वो काम कर सकता है. तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री का. अगर बात करें ब्रांचेस की, सो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू 5 ब्रांचेस. फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री. पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लॉज देखते हैं, थ्योरम देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं. जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो जाता है आपका. सेकेंड इज ऑर्गेनिक. सो हमें पता है ऑर्गेनिक को कार्बन केमिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स है उसकी स्टडी करते हैं. सो रिएक्शंस होगी कार्बन की, वहाँ कहाँ पर होती है, यहाँ पर ऑर्गेनिक. थर्ड इज इनऑर्गेनिक. सो इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, अभी आपने देखा है पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, कार्बन को छोड़ के भी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं इनऑर्गेनिक में. फोर्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कोई भी कंपाउंड है उसका सिंप्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, उस कंपाउंड को कैसे प्यूरीफाई करना है, उसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं, सेपरेशन कैसे करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, ये जो सारी टेक्निक्स हैं, हम इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लाइक HPLC, GC इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एंड देन उसको प्यूरीफाई करते हैं बाय एनालिटिकल टेक्निक. एंड द लास्ट इज बायो केमिस्ट्री. सो बायो केमिस्ट्री में
हम बायो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट जो भी लिविंग थिंग्स से हमें मिलते हैं, प्रोटीन्स, वो सब की स्टडी यहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस है यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अभी मैं अगर एग्जांपल दूँ डे टू डे लाइफ का कि कैसे केमिस्ट्री रिलेट करती है डे टू डे लाइफ से, तो हमने टेंथ में जूनियर क्लास में देखा है दैट इज एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट गिव्स द सॉल्ट। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे वो सॉल्ट देता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल कंपाउंड है। एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होकर न्यूट्रल कंपाउंड दे रहे हैं, सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपसे पूछूँ कि कौन सा एग्जाम्पल है कि डे टू डे लाइफ से ये रिलेट करता है कि हाँ एसिड और बेस कंबाइन हो रहे एंड वो तुम्हें न्यूट्रल कंपाउंड दे रहे। सो बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगी, इफ़ यू यूज़ द फिश, फिश देखी होगी सबने। सो फिश में से वन ऑफ द स्मेल इज फिशी स्मेल, एक फिशी स्मेल आती है। सो दिस स्मेल इज बिकॉज ऑफ वन केमिकल कॉल्ड एज ट्राइमिथिलामाइन। सो ये एक केमिकल है जिसकी वजह से वहाँ से स्मेल आती है फिशी स्मेल। सो दिस कंपाउंड इज बेस, ये केमिकल है वो बेस है। तो अभी अगर आपको पूछा ये बेस है तो इसको न्यूट्रल मतलब उस स्मेल को कैसे हटाओगे, तो सिंपल है, ये रिएक्शन हमें पता है कि बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो तो न्यूट्रल होने वाला है। तो अगर हमने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया तो ये न्यूट्रल हो जाएगी रिएक्शन, मतलब वो स्मेल चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, लेमन यूज़ करते हैं। वाई लेमन? बिकॉज लेमन में होता है एक साइट्रिक एसिड। सो दिस साइट्रिक एसिड है ये, सो दिस साइट्रिक एसिड कंबाइन विद दिस बेस और वो न्यूट्रल कर देती है, मतलब वो स्मेल चली जाती है। सो देखो कितना इजी एग्जांपल है एसिड बेस का, ऐसा हमने सोचा भी नहीं होगा और हम बहुत सारे लोग ये करते भी हैं। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। सो एक एग्जांपल और मैं दूंगी, सो एक ऐसी चीज़ का जिससे पूरे आप भी रोते हैं, बड़े लोग भी रोते हैं, मतलब कोई नहीं बचता उसके सामने, बड़े से बड़े लोग उसके रोते हैं। सो वो है अनियन। हमें पता है अनियन, आप बोलोगे इसमें अनियन में कौन सी केमिस्ट्री है, सब चीज़ में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं है। सो अनियन में सबसे अच्छी केमिस्ट्री यह है कि उसके अंदर होता है सल्फेनिक एसिड, वीक एसिड होती है सल्फेनिक एसिड। सो बेसिकली ये एसिड क्या करती है, आपके जो आइज में वाटर है उससे कंबाइंड करती है जब आप कट करते हैं वो अनियन को, एंड इट फॉर्म द सल्फरिक एसिड। हमें पता है सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। सो ये सल्फरिक एसिड जब प्रिपेयर होता है तो वो आपकी एसिड, यू नो दैट कि वो इरिटेंट है, तो आपके आईज में वो इरिटेशन क्रिएट करता है एंड यू बस्ट इनटू द टीयर्स, तो आपको रोना आ जाता है। सो ये केमिस्ट्री है एक। तो अभी केमिस्ट्री ने आपको इतनी अच्छी प्रॉब्लम बताई कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसके लिए आपको कुछ सोल्यूशन भी उसने दिया होगा। सो सोल्यूशन भी है, अगर थोड़ा माइंड यूज़ करें कि क्या हो सकता है केमिस्ट्री यूज़ करें तो, सी कॉन्सेंट्रेटेड जो सोल्यूशन होते हैं हम उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, उसमें कुछ वाटर ऐड कर करके हम उसको डाइल्यूट करते हैं। वैसे ही अगर हमने अनियन को पहले कट करने से पहले अगर वाटर में डीप कर दिया तो वो क्या करता है, सल्फेनिक एसिड के साथ कंबाइन होके वो उसको डाइल्यूट कर देता है और वो एसिड वहाँ से निकल जाती है। फिर आप कट करेंगे अनियन तो आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आप फेस करें कि क्राइंग वगैरह कुछ नहीं होगा। सो दिस इज़ द अगेन द केमिस्ट्री पार्ट। इवन यू यूज़ द प्लास्टिक, सब प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं एवरी डे लाइफ में कि हाँ प्लास्टिक ये चीज़ वो सब, यहाँ तक कि ये भी प्लास्टिक ही है एक टाइप का। सो दिस प्लास्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं पॉलोथीन के, वो एक साथ आते हैं एंड दे प्रिपेयर द पॉलीमर केमिस्ट्री। सो ये भी एक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ओके, अभी इतना डिस्कशन हो गया केमिस्ट्री पर, बट उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। सो अगर ओरिजिनल डेफिनेशन देखें केमिस्ट्री की, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, सारी साइंस की ब्रांच, मेन ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मैटर। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाउ दिस मैटर इज फॉर्म, ये मैटर बनता कैसे है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, एंड देन द रिएक्शन बाई विच एक फॉर्म है जो मैटर का दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। सो ऑल दीज आर स्टडीड अंडर द केमिस्ट्री, यही केमिस्ट्री है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटर का नाम लेते ही अराइज हो जाता है कि वॉट इज़ मैटर, मैटर है क्या। सो बेसिकली हमें पता है, हमने जूनियर में भी देखा है, सो मैटर इज़ एनी थिंग दैट हैज़ स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास।
सो कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके पास स्पेस है और उसका मास है, दैट इज़ अ मैटर। तो यहाँ पे डस्टर देख लो, इसको उसने मेरा इतना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, इसको मास भी है, सो दिस इज़ द मैटर। सो एनीथिंग, वी कॉल दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड स्पेस, उसको बोलते हैं मैटर। सो हमें पता है मैटर इज़ सॉलिड लिक्विड गैसेस, तीनों ये है मैटर के अंडर। बट क्वेश्चन इज़ कि ये मैटर प्रिपेयर कैसे होता है, कहाँ से बनता है मैटर, मतलब एकदम से कहीं से आया है कि कुछ तो होगा उसका बेसिक, सब चीज़ का कुछ ना कुछ एविडेंस होते हैं कि हाँ ये यहाँ से प्रिपेयर हुआ है, तो इसका क्या एविडेंस है। सो हमने देखा एक पार्ट दैट इज़ एटम, एक डेफिनेशन जो हमने पूरे टेंथ में रट्टे मारे रहते कि एटम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एटम इज़ दिस, एटम इज़ दिस, ये सारा हमें पहले से फिट रहता है, तो दैट इज़ द राइट थिंग, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो एटम होता क्या है, सो यू नो दैट, ओके। सो जो इसमें एटम जो है उसका सेंट्रल पार्ट रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके, एंड जो साइड में होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम इज एनीथिंग इन विच द सेंट्रल पार्ट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इट इज़ सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके बेसिक यूनिट होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियस। सारा जो मास है एटम का वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे न्यूक्लियस पे। तो एक क्वेश्चन हमेशा रहता है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एटम, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि चार्ज क्या है एटम का, तो सबका आंसर होता है कि हाँ ये सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज होगा, बट ऐसा नहीं है। देखो जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हुआ, न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों क्या है, बैलेंस है, तो एक दूसरे को वो बैलेंस कर रहे हैं, तो दिस इज द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, ओके। सो ऐसे ही एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मॉलिक्यूल एक एटम है दूसरे एटम से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वेरी डिफिकल्ट टू सी। सो दिस एटम इज कंबाइंड टुगेदर, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। और यही मॉलिक्यूल क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, मैटर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखा कहाँ से वो है, ओरिजिन मैटर का एटम से, ओके। सो मैटर इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक फिजिकल प्रॉपर्टी उसको डिफाइन करती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफाइन करती है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले, सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स द प्रॉपर्टी विच इज़ ऑब्जर्व विदाउट यूज़ ऑफ एनी केमिकल। यहाँ पे केमिकल का कुछ यूज़ नहीं किया है, सिर्फ तुम उसको ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट एनी यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो फिजिकली इट इज़ क्लासिफाइड एज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस। तो यहाँ तक टेंथ तक हमें पता रहता है सॉलिड लिक्विड गैस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। बट देर इज फोर टू मोर स्टेट, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको एक शॉर्ट फॉर्म है BEC। बहुत बार पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में व्हाट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो हमें सिर्फ तीन पता रहती है, हम सोचते गैस होगी लास्ट वाली, तो लास्ट वाली गैस ही होती, पर ऐसा नहीं है, एक स्टेट और है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। सो ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज दिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू फाइव क्लास, सॉलिड लिक्विड गैसेस एंड प्लाज्मा, फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अगर सॉलिड की बात करें तो हमें पता है सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक इज रिजिड, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दैट इज वेरी कॉम्पैक्टली पैक, बहुत कॉम्पैक्टली वो पैक होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो पैक के सारे, और देर इज वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, और बहुत जो स्पेस इंटरमोलिकुलर
वो देखो कितना कम है एज कम्पेयर टू दिस. सो उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है दैट इज वेरी लेस, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज. सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि रिजिड है, टाइटली पैक्ड है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत ज्यादा कम है एंड जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है. ओके, सो दिस इज सॉलिड. अगर बात करें लिक्विड की, सो लिक्विड में देख सकते हो स्पेस में कितना गैप है, सॉलिड से ज्यादा गैप लिक्विड के स्पेस में. सो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज ग्रेटर देन सॉलिड एंड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी, दे आर एक्ट एज ए फ्लूइड. वो क्या एक्ट कर रहे हैं, फ्लूइड मीन्स दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. उनको डेफिनेट शेप नहीं है. जिस कंटेनर में आप उनको डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है. जैसे अगर आपने ग्लास में वाटर डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरी में अगर वाटर डाला तो उसका शेप ले लेगा. तो मीन्स इट हैज एक्ट एज ए फ्लूइड. जैसे जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसका शेप लेगा. सो इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. अगर सॉलिड का देखें तो दोनों डेफिनेट है, शेप एंड वॉल्यूम. अगर गैस की बात करें, सो गैस का एक बहुत अच्छा फीचर है दैट इट इज़ कॉम्प्रेसिबल. डेफिनेट शेप और वॉल्यूम का तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं आता बिकॉज इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, बट इट इज़ कॉम्प्रेसिबल. तुम देख सकते हो एलपीजी सिलेंडर होता है, अराउंड 14 लीटर जो गैस होती है इतनी सारी उस छोटे से सिलेंडर में सारी कॉम्प्रेस की होती है. सो बिकॉज गैस इज़ कॉम्प्रेसिबल, यहाँ पर सॉलिड कॉम्प्रेसिबल नहीं है, लिक्विड नहीं है, बट गैस इज़ अ कॉम्प्रेसिबल. ये तीनों हमें पता रहते हैं अभी तक, इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमें पता है. बट व्हाट अबाउट प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट? सो प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, गैस ऑफ आयंस, मतलब यहाँ पे जो ऐसी गैस जहाँ पे तुम्हें आयंस मिलेंगे. सो ये प्रिपेयर क्या करते हैं, इट इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द नॉर्मल गैस. जब तुम नॉर्मल गैस को हीट करते हो तो उसमें से निकलते आयंस, बोलते पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज जैसे भी आयंस है वो क्रिएट होते हैं, या तो उनको तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्रिएट कर सकते हो. सो दीज आर द प्लाज्मा. तो वो प्लाज्मा की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, मतलब वो कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिकली करंट क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. सो दैट इज़ द प्लाज्मा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट. नेम देख के ही पता है कि ये दो साइंटिस्ट के वर्क से बना है. सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सत्येंद्रनाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो इट इज़ नेम्ड एज बोज आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट. तो इसमें क्या होता है, इस स्टेट में एटम जो है होते हैं या उसके सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं उसको वेरी लो टेम्परेचर, अराउंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कूल किया जाता है. सो दैट इज़ द बोज आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट. सो ऑल इज ऑल दिस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की, कि हाँ मैटर इज सॉलिड लिक्विड गैस. दिस इज़ अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. वन मोर थिंग जो है कि इतने अच्छे अभी अब तक हमने देखा केमिस्ट्री के पार्ट्स क्या है, केमिस्ट्री का यूज़ क्या है, बट मेन थिंग इज़ दैट कि केमिस्ट्री को लाया किसने, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया. सो वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज एंटोनी लेवोइज़र. सो ही इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री. इनको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिन्होंने इतना ईजी सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. ओके, सो जो नेक्स्ट पार्ट है अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.